और करीब 6 दशक तक कपड़ा नगरी भीलवाड़ा का प्यास बुझाने वाली जीवन रेखा कही जाने वाली मेजा बांध आज मरम्मत की मदद मांग रही है। सिंचाई विभाग ने किसानों के लिए साल 1956 में, आपको बता दें, यहाँ पर बांध बनवाया था। कठोरी नदी पर बना मेजा बांध 2 दशक से सरकारी उपेक्षा की मार झेल रहा है। कभी टेक्सटाइल सिटी का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट रहा मेजा बांध, आज वीरान पड़ा हुआ है। बांध पर आने वाले लोगों के लिए मनोरंजन के कई साधन थे, जिसमें बच्चों के लिए कोयले के इंजन वाली रेल सुखाड़िया सर्कल उदयपुर की तर्ज पर बना, आज किसी तरह अपनी काम कर रहा है। मेजर डैम का गार्डन भी उजड़े चमन सा दिख रहा है। करीब 40 साल पहले भीलवाड़ा का पहला स्विमिंग पूल भी मेजा डैम पर ही बना हुआ था। स्विमिंग पूल अब खंडर में तब्दील हो गया है और आलम यह है कि 15 किलोमीटर में फैले बांध के रखरखाव के लिए मात्र 3 ही सिर्फ कर्मचारी वहां पर हैं। हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने मेजा बांध का जायजा लिया, आइए आपको दिखाते हैं। किसानों के खेतों में फसलें लहलहाए, इसी संकल्प और इसी सपने के साथ में 1956 में मेजा डैम की नींव रखी गई थी। कोठारी नदी पर बनाया गया यह बांध लगातार बीते 60 साल से भीलवाड़ा कपड़ा नगरी की जीवन रेखा भी बना हुआ है। भीलवाड़ा कपड़ा नगरी को 2016 तक एक तरफा अगर किसी ने पानी पिलाकर प्यास बुझाने का काम किया तो वो यही मेजा डैम है, जिसने लगातार 6 दशक तक भीलवाड़ा की प्यास बुझाई। चंबल परियोजना आने तक भीलवाड़ा की अगर प्यास बुझाने में किसी ने मुख्य योगदान दिया तो मेजा डैम ने योगदान दिया। चंबल का पानी पहुंचने से पहले भीलवाड़ा में एक समय हालात ये थे कि भीलवाड़ा को ट्रेन के माध्यम से पानी लाकर बिसलपुर से पिलाया जाता था। कपड़ा नगरी की प्यास बुझाने वाले मेजा डैम की आज क्या हालत है, आज देखने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंची मेजा डैम में। बड़े दुख की बात यह है कि लगातार इस डैम के ऊपर कोठारी नदी में बनने वाले एनीकट इस डैम के लिए सबसे बड़ी कब्रगाह बन रहे हैं। चूंकि 174 के आसपास एनीकट ऊपर बन चुके हैं, इसी वजह से बीते 8 साल से ये डैम ओवरफ्लो नहीं हुआ, ये डैम भीतर पड़ा हुआ है। 2016 में आखिरी बार ये डैम पानी से लबालब हुआ था। मेजा बांध की क्या स्थिति है अभी आप देखिए। किसी जमाने में मेवाड़ में चित्तौड़ और उदयपुर के बाद में सबसे बड़ा कोई पिकनिक स्पॉट था तो मेजा डैम को गिना जाता था। करीब 15 किलोमीटर में फैले इसका जो क्षेत्रफल है जिसमें पानी भरा रहता था वहां पे किस तरह के, उस समय में देखो जब तकनीक इतनी नहीं थी उस समय में भी 1956 में किस तरह के यहाँ पे आप देखिए फव्वारे बनाए हुए हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे उदयपुर के सुखाड़ा सर्कल पे बनाए फव्वारे हैं, उसी सर्कल पे उसी तर्ज पे यहाँ पे फव्वारे बने हुए थे। बच्चों के खेलने के लिए मेरे कैमरा पर्सन देखूंगा दिखाए किस तरह की उस समय में ट्रेन बनाई गई थी, उस ट्रेन की भी आज क्या स्थिति है, बहुत दूरदर्शा के हालात है। आप क्या कहना चाहते हो, कितने समय से आप यहाँ पे काम कर रहे हो? 30 साल से काम कर रहे हैं, क्या स्थिति है आज यहाँ पे? या एक तो स्टाफ नहीं है। अच्छा, वो इसकी 40 किलोमीटर लंबी नहरें बनी हुई है, 15 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है मेजा डैम का, स्टाफ की बहुत कमी है। स्टाफ की कमी नहीं अभी है। हम 3 कर्मचारी हैं। अच्छा, 15 किलोमीटर लंबे डैम पे आप 3 किलोमीटर, 3 आदमी, 3 आदमी 40 किलोमीटर के एरिया में हम 3 आदमी हम संभालते हैं। अच्छा, कभी स्टाफ मांगा नहीं आपने कभी अधिकारियों से? तो मांगा है, स्टाफ है कहाँ। अच्छा, भर्ती नहीं खुल रही है? भर्ती नहीं खुल रही। तो छोटा मोटा काम फिर कैसे मेंटेन होता है इतना बड़ा डैम है तो? वो हम छोटे मोटे नरेगा से करवाते हैं, नरेगा से। पंचायत का क्या, जैसे इधर मेजा पंचायत हो गई पास में कोठड़ी पंचायत, क्यों उनका सहयोग कैसा है? ये सुरास पंचायत है, हाँ। मेजा ग्राम पंचायत से दोनों सहयोग देती है, दोनों गाँव के मेजा दोनों पंचायत से हम लेबर लेते हैं काम करवाते हैं। इतने हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो यहाँ पे रोज बराबर पिछले 30 सालों से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए नरेगा के माध्यम से पंचायत के माध्यम से, उनसे हमने बात की। बीच यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी उनसे पूछते, भैया कौन से गांव से आप? सुरास गांव से है। हाँ, नारायण नाम है। नारायण नाम है, क्या स्थिति मेजा डैम की आज? स्थिति खराब है, इसकी भरता नहीं है ये। क्यों नहीं भरता है? ऊपर कोठारी नदी के ऊपर ज्यादा तालाब और बन गए है तो इसकी वजह से पानी नहीं पहुँच पाता है। अच्छा, तो तालाब भी है और भी कुछ ऐसे निर्माण हो गए जिससे पानी नहीं पहुँच रहा है? एनीकट भी बन गए बहुत सारे, 60 एनीकट है इसके ऊपर तो उसकी वजह से भरता नहीं है, मतलब पानी नहीं आ रहा तो ये खाली रहता है। तो इससे मेन समस्या क्या हो रही है आसपास के इलाके में? रहे तो आप कौन सुरास गांव में हो, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो मेन समस्या आप लोगों को क्या आ रही है? खेती करने में आ रही है दिक्कत, पानी नहीं भरता नहीं है तो पानी नहीं आता है तो उसकी वजह से खेती करने में समस्या, और फैक्ट्रियों में जाना पड़ रहा है। अच्छा, आपको फैक्ट्री में जाना पड़ रहा है, तो आप क्या चाहते हो सरकार से, कुछ ऐसा काम हो गया निकट टूटे ऊपर जो पंचायतों ने अनाधिकृत बना दिए, जो टूट जाए तो चाहे भरने में हो जाएगी।
ये एक युवा है जो कि पास में रहता है, ग्रामीण है, किसान का बेटा। इसका कहना यह है कि अगर ये जो अनावश्यक एनीकट बन गए हैं ऊपर कोठाई नदी के ऊपर, जो कि मेन इस पूरे डैम को भरने वाली जीवन रेखा है, उसी से डैम भरता है कोठाई नदी, मगर ऊपर ऐसे एनीकट बन चुके हैं इसमें जो 10 से 12 किलोमीटर के अंदर 60 एनीकट हैं बता रहे हैं, उन एनीकटों की वजह से इस बांध की जो भराव क्षमता है उसके अनुकूल वो भर नहीं पाता है और रिता रह जाता है। यही वजह है कि आसपास के करीबन ऐसे 50 से 100 ऐसी पंचायतें हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है पिलाई के चलते। ऐसे में किसानों को मजबूरी में अपने जो मूल काम है उसको छोड़कर अपने बच्चों को फैक्ट्रियों में नौकरी लगानी पड़ रही है। और अब जो हम जो इसकी भराव क्षमता का जो गेज लगा हुआ है उस तरफ जाएंगे और देखेंगे क्या स्थिति है वहाँ की। सर मिर्जा की क्या स्थिति मानते हैं आप, तो डिप्टी डायरेक्टर रहे, एडिशनल चीफ इंजीनियर रहे हैं। मैं काफी अर्से तक मिर्जा रहा हूँ। मिर्जा 66 साल पुराना बांध है और मेंटेनेंस में उसके बहुत कम बजट मिलता है। इस कारण से मुख्य बांध की जो स्थिति है वो सही नहीं है। अभी में ये ट्रिप वालों ने, DSRP ने एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के और सरकार को इनको सबमिट की है कि भाई इसमें ये कमियां हैं, इन कमियों को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। उसके बाद मुझे आगे जानकारी नहीं कि उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने कोई सेंक्शन किया पैसा या नहीं किया है, और अगर पैसा किया तो जल्दी से जल्दी उन कमियों को दूर करना चाहिए। मुख्य जो इसमें यह है कि जो इसकी मेन पाल है, मेन पाल पे नीचे की तरफ 50 चेन से 115 चेन के बीच में काफ़ी सीपेज है। वो सीप और ये इसमें क्या कि मिट्टी का तो दोनों तरफ बांध है, बीच में एक चूने की दीवार बनी हुई है, उसको हम जो कोरवाल हम बोलते हैं, 57 में कोरवाल बनाई थी, वो तो कोरवाल बनी हुई। तो मुझे ये अंदेशा है कि कोरवाल में भी कहीं कहीं लीकेज होने से वो पानी जो है अपस्ट्रीम का पानी सीपेज के मार्फत बाहर आ रहा है, वरना अगर जहाँ कोरवाल साउंड होती है तो ये पानी नहीं आना चाहिए था। एक चीज़ और है सर, जिस तरह से रेनफॉल ज़्यादा होता है तो उस स्थिति में मेजा कितना सुरक्षित और क्या स्थिति है? नहीं, जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है, ये करीब 30 फीट की हाइट का डैम है, तो बहुत ज़्यादा बरसात इसमें हो तो कैचमेंट में आजकल क्या है कि इंटरसेप्शन बहुत हो गए हैं, तो मेजा में पानी बहुत कम आ पाता है। मैं 2016 के बाद अभी तक कोई मैं नहीं रखता नहीं, ओवरफ्लो नहीं हुआ, ओवरफ्लो नहीं हुआ, पानी नहीं आया। तो बरसों में होता है, कभी जब भी कभी ये ओवरफ्लो आया, 73 में ये ओवरफ्लो हुआ था, उस वक्त करीब 1.5-2 फीट की चादर चली थी, तो 94 में चली होती। हाँ, तो उसके बाद हाँ 2004 में चली, ऐसे मतलब 66 साल में केवल 19 वर्ष ऐसे रहे हैं जहां मेजा करीब करीब फुल भरा है, फुल भरा है। तो ऐसे वैसी कोई मुझे अंदेशा नहीं है कि एकदम से कोई जो है, पर और कम वर्षा होने पे, कम वर्षा होने पे तो कुछ है ही नहीं इसमें, हाँ नुकसान नहीं है, पर अधिक वर्षा में यह है कि जो सीपेज आ रहा है और इसकी जो मेन पाल है उसकी पाल की पीछे की तरफ काफी खड्डे हो गए हैं और पेड़ उग गए हैं। पेड़ों की जड़ें हैं वो बहुत पानी की तरफ जाती हैं, हमेशा जड़ के ये टेंडेंसी होती है कि पानी की तरफ जाए, और अगर वो तो पानी अपस्ट्रीम में है, पानी इसके पेटे में है, तो वो उधर जाती है तो एक तरह से वो होल बन जाता है जड़ों के साथ साथ। तो वो जड़ें अगर अपस्ट्रीम गल्ला लगने का डर रहता है, हाँ बस वो उन जड़ों के साथ अगर पेड़ सूख गया तो फिर वो जड़ खराब हो जाती है, उधर खा जाती है, तो वो एक सीपेज का पात बन जाता है, वो नाली सी बन जाती है, तो उससे गल्ला लगने की संभावना रहती है। कम बरसात होने पर सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? कम बरसात होने में कास्तकारों को नुकसान है, सबसे ज़्यादा नुकसान कास्तकारों को, क्योंकि अब पानी तो आपके RPS उससे आ रहा है, जवाहर सागर से आ रहा है और थोड़ा बहुत यहाँ से ले रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये अभी मेजा डैम से भी पानी ले रहे हैं। मेजा डैम के अंदर एक नुकसान उन्होंने और किया है PhD वालों ने, जो नहीं करना चाहिए था। मेजा डैम के पेटे में करीब 30-35 बोरवेल कर दिए हैं, बोरवेल से भी कनेक्टिविटी होती है, और जसवंत सागर एक बांध है अपना पिछा बिलाड़ा के पास, वो इसी तरह बोरवेल के इंटरकनेक्टिविटी के कारण एक 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 बार ब्रीच हो चुका है, तो ब्लास्ट हो गया, एक तरह से फूट चुका है, फूट चुका है एक बार वो बूझ चुका है, तो ये बोरवेल भी मतलब बहुत ज़्यादा अंदर पेटे में और नज़दीक पाल पे करना उचित नहीं मानता हूँ मैं। तो एडिशनल चीफ इंजीनियर रहे हैं सिंचाई विभाग के DD देराश्री, पानी वाले के नाम से पूरे हिंदुस्तान में और राजस्थान में जाने जाते हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से वहाँ पे
पानी की खपत के लिए, लोगों की प्यास बुझाने के लिए बोरिंग किए गए हैं, 30-40 बोरिंग है, वो भी उसके लिए नुकसानदायक है। पाल के आजू बाजू में जिस तरह से पेड़ पौधे लगे हुए हैं, अंग्रेजी बम्बूल है, देसी बम्बूल है, वो जब पेड़ सूख जाता है तो आने वाले समय में कभी भी अगर अधिक वर्षा होती है तो एक कहीं ना कहीं संकट का अंदेशा बना रहता है, एक संकट की एक आशंका बनी रहती है कि वो उस डैम को कभी नुकसान पहुंचा सकती है। अब भी हम और कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस डैम को लेकर। 1956 में तत्कालीन जो सिंचाई मंत्री थे स्वर्गीय रामप्रसाद लड्डा, उनके समय में इस डैम की नींव रखी गई थी और किसानों को ध्यान में रखकर इस डैम को बनाया गया था। भीलवाड़ा जिले का सबसे बड़ा और सबसे पहला बांध था ये। रियासत काल में तो छोटे मोटे बांध बने हुए थे, पर ये एक सबसे बड़ा बांध था जो सरकार द्वारा बनाया गया था। अभी आप देख सकते हो इस बांध की जो केनाल का गेट है, इसका मैं स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा। इसके पीछे मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाए किस तरह से गेज लगा हुआ है और किस स्थिति में आज ये पहुंच चुका है। सरकारी विभागों में जिस तरह से स्टाफ लगातार सिंचाई विभाग में खत्म होता गया, नई भर्तियां नहीं हुई है। करीब 1980 से बताया जा रहा है कि विभाग में भर्ती नहीं हुई है। उसी का आलम यह है, टूटे हुए स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं। जो केनाल गेट है इसका भी स्ट्रक्चर टूटा हुआ पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो डैम है, ये कहीं ना कहीं इसकी जो रख रखाव को लेकर सख्त कुछ ना कुछ काम करने की आवश्यकता है। अभी हमारे बीच में कुछ और लोग हैं जिनसे पूछते हैं, भाई साहब आप तो बहुत समय से इस बांध को देख रहे हो, कितने बांध की भराव क्षमता कितने फीट है? भराव की क्षमता 30 फीट इसमें है, 1960 MCFT इसमें पानी आता है और हम इसे दाई और बाई मुख्य नहर है, वहाँ से बनेड़ा, यहाँ भीलवाड़ा या हलेर दांतल और इधर बनेड़ा तक पानी जाता है। इसका दोनों अलग अलग नहरें बनी हुई है। अच्छा, दोनों अलग अलग नहरें बनी हुई, तो जिस तरह से अभी जो पानी की जिस तरह से अगर ज्यादा बरसात हो तो क्या फायदे में है ये बयान दिया, क्या स्थिति इसकी? ज्यादा बरसात हो डैम के ऊपर कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि डैम के चादर है तो चादर से वो ज्यादा पानी निकल जाता है। और गेट वाला सिस्टम नहीं है, गेट वाला सिस्टम नहीं है। और ये 56 के अंदर बना था, उस समय गेट का प्रचलन था ही नहीं किसी डैम में, तो इसके बाद में अब बने गेट वाले। तो इसको अगर ज्यादा बरसात हो जाए तो कोई गेट को, इस डैम को, इसको खतरा तो नहीं है? बांध को कोई खतरा नहीं है, बांध बिल्कुल सुरक्षित है, अपने बांध सुरक्षित है। तो ये देखिए आप, अभी हमने मेजर डैम देखा है, NDTV ने मेजर डैम की क्या हालात है ये देखने का प्रयास किया NDTV ने, और इसमें साफ साफ ये बात सामने आ रही है कि 1980 के बाद में यहाँ पर कोई भर्ती नहीं हुई है, उसका असर कहीं ना कहीं धरातल पे दिख रहा है। डैम की जो मेंटेनेंस है उसमें मजबूरी में या तो पंचायत के नरेगा के कामकाज को देखना पड़ो, उसके हिसाब से कहना कि उस पर भरोसे रहना पड़ता है, या वर्क चार्ज के कर्मचारियों की कमी के चलते ये डैम की रखरखाव, जो गेट है उनकी मेंटेनेंस और उनमें जिस तरह से ऑयल ग्रीस तक का काम अब ठेके पे देना पड़ रहा है। अब रही बात कर्मचारियों की कमी और बजट की कमी, अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो ये डैम और भी अच्छे से मजबूत स्थिति में आ जाए और आने वाले समय में लंबी समय तक ये जनता की सेवा कर सकता है डैम। नवीन जोशी कैमरा पर्सन अरुण के साथ, NDTV भीलवाड़ा। और वही CM भजनलाल शर्मा ने 4 सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि आवंटन दी है, लेकिन इससे पहले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ये हम आपको बता दें, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए NDTV राजस्थान।